आज बनाएंगे ये क्रीमी व्हाइट ग्रेवी शाही पनीर बिना प्याज और लहसुन के। इसे बनाने के लिए हम एक कटोरे में लेंगे 2 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच खसखस और थोड़ा सा पानी। इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखें। उसके बाद पानी को छान लें। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 काली मिर्च, 1 इंच कटा हुआ अदरक। इसे 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे काजू और खसखस जो हमने भिगो कर रखे थे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे भूनना है जब तक पानी सूख ना जाए। पानी सूखने के बाद इसे ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद इसे एक मिक्सी जार में डालें और डालें थोड़ा सा पानी। इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई में डालें 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से काट लिया है, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसे 30 सेकंड के लिए भूनें। भूनने के बाद इसमें डालें काजू का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। इसे अच्छे से पकाएं जब तक इसमें से तेल अलग होने ना लगे। तो तेल अलग हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच दही। दही को 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखें। 3 से 4 मिनट बाद इसमें डालें 1 कप दूध और 1/2 चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। तो देखिए इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब इसमें डालें 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 250 ग्राम पनीर। पनीर को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे केसर और दूध का मिश्रण। मैंने केसर दूध में भिगो कर रखा था। आखिर में डालेंगे कसूरी मेथी। 1/4 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर गैस को बंद कर दें। तो तैयार है हमारा पनीर। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।